द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू बी रेडी इज टू बी रेडी वेन योर अपॉर्चुनिटी कम्स टूडे इज सेवं क्विज के आंसर थीम ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी वन था ट्रांसफॉर्मिंग लाइव विद द टैगलाइन बायोसाइंस टू बायो इकोनॉमी रिमेंबर दिस वर्ड बायोसाइंस टू बायो इकोनॉमी यूएनजीए ने अनाउंस किया है 2023 होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सुगम में भारत ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा है दिस इज टू केटर द नीड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। उत्तर प्रदेश में है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट स्ट्रेट ऑफ डोवर है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आर्टिकल 243 बी है ये डिफाइन करता है ग्राम सभा को आज के सवाल है हु डिजाइन द प्रजेंट इंडियन पार्लियामेंट ये जो बिल्डिंग है ये किसने डिजाइन किया है प्रेजेंट विच मोन्यूमेंट वॉज बिल्टी कुतुब शाहमोरेट द एंड ऑफ प्लेग वॉट वॉज द कोड नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाई इंडिया इन ऑन एटीन सेवन इन पोखरन राजस्थान विच स्टेट इज नोन एज इंडियाज स्पाइस गार्डन स्पाइस गार्डन किस स्टेट को बोलते हैं which state स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इसको सोया स्टेट भी बोलते हैं ऑन which spacecraft did डिड राकेश शर्मा राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन स्पेस में जाने वाले मेक his हिस्टोरिक ट्रिप टू स्पेस सो these आर सिक्स questions फॉर today. आज की वो है टेंट्रम्स इसका मतलब है अनकंट्रोल्ड आउटबर्स्ट ऑफ एंगर है फ्रस्ट्रेशन है टिपिकली बच्चों में यह बिहेवियर देखने को मिलता है ऑथेंटिक का मतलब है जेनुइन और ओरिजिनल पॉल ऑफ ग्लूम मतलब लोनेस है स्पिरिट लो है डिजेक्टेड फील कर रहा है लो फील हो रहा है दैट इज दिस डन एंड डस्टेड डन एंड डस्टेड मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट समथिंग जब आपका सलेक्शन हो जाएगा आप लिखना यूपीएससी डन एंड डस्टेड रेलिश रेलिश मतलब प्लीजिंग और जेस्टफुल सो दीज आर सम वोबुलरी वर्ड्स इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं कोविड नाइनटीन केसेज ब्रीच दिस मच लेवल केसेस बढ़ रहे हैं वर्ल्ड डब्ल्यू टी सी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में इंडिया अभी खेलेगा एलिफेंट्स डबल डेकर हैदराबाद अबैंडन लेगेसी सिस्टम प्राइम मिनिस्टर ने कहा इंडिया जापान को श्रीलंका अब वेस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑफर कर रहा है दिस इज़ अबाउट एन एस डी एंड इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंस नेशनल इम्पोर्टेंस वाले इंस्टीट्यूट्स एन आर आई और ओ सी आई के बारे में आज जानेंगे दिस इज पोप एंड टॉप शिया क्लरिक प्लीड ऑफ पीस इन हिस्टोरिक इराक मीट इसका बहुत सिग्निफिकेंस है आज संडे है एडिटोरियल्स नहीं आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट्स दिस इज अल्जाइमर एंड शीजो फ्रेनिया दिस इज इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर्स क्लस्टर होना क्यों जरूरी है ये ट्रोजन हॉर्स है साइबर सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम सेल है फाइव जी का एंड दिस इज अबाउट जन औषधि एंड सरस आजीविका मेला आज हिंदी के ये जो बारह महीने होते हैं इनको हम जानेंगे सी सेट के क्वेश्चन एंड सोल्यूशंस सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट अवर रेफरेंस मटीरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जून को एग्जाम है एक सौ ग्यारह दिन बचे हैं यू पी एस सी की प्रिपरेशन में इस पूरे इकोसिस्टम में अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना तो ये जो यू पी एस सी लेवल वर्ड है ना ये सबसे ज्यादा मिस यूज और अब यूज वर्ड है वॉट इज दिस यू पी एस सी लेवल अपी आप ये पैटर्न ऑब्जर्व करना स्टूडेंट जो होता है अगर स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है यू पी एस सी का तो वो इस थॉट में रहता है कि आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज करनी है स्टूडेंट का ये मैंटेलिटी होता है उसको लगेगा कि बिकॉज मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ तो लाइक सी डी एस या जो दूसरे ऐसे एग्जाम्स होते हैं दे आर नॉट दिस लेवल बट दिस मेंटेलिटी दिस अप्रोच इज नॉट राइट लेवल जो होता है मतलब यू हैव टू स्टिक टू सिलेबस जो सिलेबस है ना वो करना है ये नहीं कि आपको फंडामेंटल राइट्स तो पता है नहीं और आप बड़े बड़े जर्नल्स पढ़ रहे हो रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हो कोर्ट केसेस के जजमेंट्स पढ़ रहे हो यू आर वेस्टिंग योर टाइम स्टिक टू सिलेबस एंड अंडरस्टैंड वॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम अब बिकॉज स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन रखता है कि टीचर मुझे कुछ आउट ऑफ द वर्ड चीज़ बताए जो किसी किताब में नहीं लिखा है हाई फाई चीज हो तो फिर टीचर भी सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं टेस्ट सीरीज में आप देखना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट होते हैं सवाल नॉट रिक्वायर्ड इंटरव्यू में वो इंटरव्यू कम रोडीज़ का इंटरव्यू ज़्यादा हो जाता है नॉट रिक्वायर्ड सो स्टिक टू सिलेबस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम आउट ऑफ द वर्ड एफर्ट जरूरी नहीं है आप जितने भी टॉपर्स देखना बड़े सिंपल साधारण से लोग होते हैं साधारण सी तैयारी होती है जस्ट स्टिक टू बेसिक्स यूपीएससी लेवल का मतलब होता है करेक्ट मतलब होता है कि वो पर्सन है जो ट्वेंटी वन टू थर्टी टू ईयर्स एज ऑफ दिस एज में है इस एज के अकॉर्डिंग ही आपको सोचना है ये नहीं कि आप 60, 65 इयर्स वालों की तरह सोच रहे हो आउट ऑफ द वर्ल्ड आप प्रोसेस कर रहे हो वो फिर नेचुरल नहीं लगेगा इट विल गो अगेंस्ट यू एक्ट योर एज ग्रेजुएशन लेवल का आपका ऑप्शनल होना चाहिए और एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए सब्जेक्ट्स का ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है रूरल और अर्बन सबको एक ब्रांच सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है चाहे वो 21 साल का बच्चा है या 32 इयर्स का है या फिर वो सिंपल ग्रेजुएट है या फिर वो पीएचडी वाला है सबको सेम लेवल पे लाना है एक वर्ड होता है इसका डिक्शनरी मीनिंग देखना होलजम दिस इज यूपीएससी लेवल दिस इज यूपीएससी लेवल ओके नाउ लेट अस कम टू डिस्कशन कोविड नाइनटीन केसेस ब्रीच एटीन थाउजेंड अगेन अमिड महाराष्ट्र का स्पाइक हुआ है सी सिग्निफिकेंट शेयर हुआ डेली कोविड नाइनटीन केसेज इंडिया में महाराष्ट्र में भी नंबर बढ़ रहे हैं नॉट एट ऑल गुड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है बिकॉज डर चला गया है ड्यू टू लैक ऑफ फ़ियर। पैंडमिक का फटीक है बहुत टाइम तक जैसे गांधी जी भी बोलते थे मास स्केल एजुटेशन मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो कोविड नाइन्टीन का भी पैंडमिक फटीक हो रहा है लोग थक गए हैं साइटेड एज रीजन लैक ऑफ फीयर ऑफ डिसीज है पैंडमिक फटीक है मिस्ड केसेज हैं सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो रही हैं गैदरिंग ऑफ क्राउड्स है रीसेंट ग्राम पंचायत इलेक्शंस भी थे मैरिज सीजन था री ओपनिंग ऑफ स्कूल हुआ क्राउडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ ये रीजंस हैं जिसके कारण कोविड नाइन्टीन के ये केसेस बढ़ रहे हैं अब सी कितने कम शब्दों में इन्होंने कितनी सारी थीम्स को कवर कर लिया लिखते वक्त ये चीज़ ध्यान रखना है इंग्लिश कम लिखना है कंटेंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए सी एक पैराग्राफ में कितने डिफरेंट थीम्स यहाँ पर कवर किए दिस इज़ द राइट स्ट्रैटेजी अब जो करंट वेव है वो लेस विरुलेंट है मतलब इतना डेंजरस है नहीं लोगों को डर लग नहीं लग रहा डर नहीं लग रहा है और वो डिसमिस भी कर रहे हैं सम हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स की दिस इज़ अ सिंपल फ्लू डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज पार्टिसिपेशन जरूरी है वे फॉरवर्ड होगा एंगेज करें कम्युनिटी को बिकॉज दिस थ्रेट इज़ नॉट ओवर येट वैक्सीनेशन मस्ट है कोविड नाइन्टीन प्रोटोकॉल फॉलो करें देन दिस इज अबाउट दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डब्ल्यू फाइनल बारह टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनमें से जो नौ टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं तो डिफरेंट टूर्नामेंट्स जो हुए थे उनको काउंट किया गया था दिस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के प्रोग्रेस में अब इसमें अलग अलग हुए जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का टूर्नामेंट हुआ ऐसे डिफरेंट टीम्स ने आपस में खेला अब उस पूरे ड्यूरेशन में उन्नीस से इक्कीस के मैचेस के बीच में जैसे एशस से स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का 2019 2021 के जो जो मैचेस हुए इस ड्यूरेशन में में उसकी टॉप टू टौ टीम्स है उनके बीच होगा ये फाइनल फाइनल टेस्ट बिकॉज़ इंडिया ने अभी इंग्लैंड को बीट कर दिया रहे हैं पीस एज गन्स फॉल साइलेंट अलोंग एल ओ सी लाइन ऑफ कंट्रोल इट इज हीलिंग टाइम फॉर रेसिडेंट पीस है पीस इज गुड पीस के डिविडेंड होते हैं विलेजर्स रेलिश पीस एस फॉल साइलेंट देन दिस इज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात है एंड दिस इज अबाउट इंटरिम बेल पॉल ऑफ ग्लूम दिस इज डिगिंग फॉर समर दिस इज एलिफेंट एलिफेंट नॉट इन द रूम हेरिटेज एनिमल क्या है हमारा बताइए हेरिटेज एनिमल जू कीपर बार्ड्स एंड एलिफेंट इन न्यू दिल्ली लिविंग इट लार्ज दिस इज़ मतलब बढ़ा दिए हैं दिस इज नाउ अ हेल्प डेस्क फॉर ट्रांसजेंडर्स नाउ दिस इज ऑल्सो वन थिंग हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ह्यूमन राइट्स में इक्वालिटी होनी चाहिए तो जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनको भी राइट टू लाइफ है राइट टू लाइफ इक्वल अपॉर्चुनिटी डिग्निफाइड रेस्पेक्टेबल लाइफ जीने का अधिकार है हेल्प डेस्क फॉर ट्रांसजेंडर्स दिस इज डबल डेकरस टू डिलाईट हैदराबाद अगेन ये डबल डेकर्स होता है सी एक बस है फिर ऊपर एक और इन्होंने यहाँ पे सेटिंग बना दिया दिस इज डबल डेकर लंदन में बहुत चलती है ऐसी डबल डेकर डबल डेकर्स टू डेकर हैदराबाद अगेन यहाँ पे फिर से प्लान हो रहा है ओल्ड सिटी चाम देन दिस इज इलेक्शन दिस इज इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर ने कहा अबैंडन करें लेगेसी सिस्टम लेगेसी लेगेसी मतलब पुराना जो प्रोसेस चला आ रहा है डॉक्टर चला आ रहा है उस सिस्टम को अबैंडन करें Calls for indigenization of doctrine in armed forces. Resolute dedication is जरूरी जैसे हम आर्म्ड फोर्सेज में देखते हैं हम 1857 से स्टार्ट करते हैं 1857 में जब रिवोल्ट हुआ इसको कुछ हिस्टोरियंस ने म्यूटिनी भी बताया म्यूटिनी मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस थी उन्होंने ही म्यूटिनी कर दिया ऑफिसर्स और इनके अगेंस्ट तो आर्म्ड फोर्सेस का इसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग हुआ आर्म्ड फोर्सेज की अलग अलग बैटालियंस बनाई इस टाइप से रेजिमेंट्स बनाना चालू कर दिया इन्होंने कि ये सिख रेजिमेंट होगी ये मराठा रेजिमेंट है ये इधर इधर गोरखा बना दिया इस टाइप से इन्होंने रीस्ट्रक्चर किया ऑफिसर्स जो होते थे वो केवल ब्रिटिश होते थे इस टाइम पे इंडियंस को इस रैंक तक पहुंचने को नहीं मिलता था तो इन्होंने ये फिर प्रोटोकॉल्स बनाना चालू कर दिया तो अगर हम क्लोजली देखें ना आर्म्ड फोर्सेस को तो अभी भी बहुत सारा वो ब्रिटिश टाइम का जो इरा है हिस्टोरिकल पॉलिसीज है प्रैक्टिसेस है ट्रेंड्स हैं वो कंटिन्यूड है अभी भी तो ये जो लेगेसी सिस्टम है इसको भी समय के साथ बदलने की ज़रूरत है जैसे आर्म्ड फोर्सेस में अभी एक न्यूज़ चल रहा था सहायक सिस्टम सहायक सिस्टम करने की बात किया था बिकॉज इट इज़ अबाउट डिग्निटी डिग्निटी एंड द सिस्टम इ थोज ऑफ जो ब्रिटिश इरा है प्रैक्टिस दे हैव टू गो लेगेसी सिस्टम जो है समय के साथ चेंज होने चाहिए बिकॉज दे हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी एंड रेलेवेंस प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया कि इंडिजिनाइजेशन भी ज़्यादा हो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम का हम इक्विपमेंट्स ले रहे हैं उसमें इंडिजिनाइजेशन हो सिपरी की रिपोर्ट बोलती है हमारा बहुत सारा पैसा एक्स में चला जाता है वेपन्स खरीदने में चला जाता है सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग प्रोसीजर कस्टम आर्म्ड फोर्सेस के जो हैं डॉक्ट्राइंगज़ हैं ये भी एक ओवरऑल चाहिए समय के साथ बदलना ज़रूरी है तो ये यहाँ पे अभी हो रहा था कमांडर कॉन्फ्रेंस के वादिया गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी वहां प्राइम मिनिस्टर ने यह बात कहा जो लेगेसी सिस्टम है ना इसको भी समय के साथ बदलना जरूरी है लेगेसी सिस्टम लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए कि जैसा हमने पढ़ा है बस हम वैसा वैसा ही कर रहे सी अगेन आई टेल यू वन थर्टीन में पैटर्न चेंज हुआ था एग्जाम का जब पच्चीस क्वेश्चन आए थे और आपको तीन घंटे में पूरे सवाल करने थे पहली लाइन जो लिखा था ना वो ये लिखा था कि आपका कंटेंट ज्यादा मैटर करेगा लेंथ ऑफ द आंसर का बट कोचिंग ट्रेन स्टूडेंट्स हैं उनको ये कोचिंग में बताया जाता है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखें सब्जेक्ट लिखें फिर दिस पूरा एक फ्लो में लिखें की यूज़ नहीं करने हैं फ़्लो चार्ट नहीं करने तो दे फाउंड वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्प्लीट दिस पेपर सो द पॉइंट इज जैसा प्रश्न आता है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज योअर सेल्फ स्ट्रैटेजी राइट नाउ वहीं पे वैसी बनानी है प्रिलिम्स में देखना 2016 में इजी पेपर आया तो सबने बोला 120 130 नंबर तो लाने ही है 2017 में सबने कहा कि हम एक माइंड फ्रेम से गए सब लोग कि 2017 थाउजेंड सेवेंटीन है वन तो लाना ही होगा अननेसेसरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं सब नेगेटिव हो गया 2018-19 कट ऑफ आ गया अराउंड 98 के पास में तो हमेशा प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होने चाहिए प्री कंसीव्ड पास्ट में नहीं रहना है जो प्रेजेंट में है उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए पेपर ईजी है अटेम्प्ट करिए पेपर टफ आ रहा है केयरफुल मेरिट के हिसाब से खेलना चाहिए हमेशा अबैंड लेगेसी सिस्टम नेपाल हैंड्स ओवर बॉडी ऑफ मैन इंडिया जापान कूल टू कोलंबो ऑफर ऑफ न्यू पोर्ट प्रोजेक्ट ये भी इन कंटिन्यूएशन न्यूज़ हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो था इंडिया और जापान मिलके उसको डेवलप कर रहे थे श्रीलंका ने बोला कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो आउटसोर्सिंग के अगेंस्ट हैं उन्होंने इंडिया और जापान का ये जो ज्वाइन था उसको कैंसिल कर दिया नाउ श्रीलंका बोल रहा है आप ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के बजाय वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप करिए इंडिया एंड इंडिया एंड जापान दोनों मिल लेट अस सी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की जगह वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप करिए जनरस है इंडिया एंड जापान यूजुअली श्रीलंका के रेस्पेक्ट में हम लाइन ऑफ क्रेडिट भी देते हैं जापान सॉफ्ट लोन्स भी देता है श्रीलंका को व्हाट डज इट मीन बाय सॉफ्ट लोन सॉफ्ट लोन का मतलब होता है वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए है इंटरेस्ट जो रेट है वो उसमें बहुत कम होता है लाइक फोर्टी फोर्टी ईयर के लिए दे दिया आपको एक दो परसेंट इंटरेस्ट पे लोन तो दिस इज अ सॉफ्ट लोन सो दिस इज सिवियर सेवर्ड टाइज है जापान रिएक्टेड शार्पली जब ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट से जापान को हटाया गया दिस इज़ एन एस डी लाइकली टू गेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस स्टेटस ये एन एस डी चेयरमैन है मिस्टर परेश रावल दिल्ली में इन्होंने कहा एन एस डी जो है इसके चार रीजनल सेंटर्स हैं वाराणसी में है देन वाराणसी में हैं और है बैंगलुरु में अगरतला में और गंगटोक में ये चार रीजनल सेंटर्स हैं इसके नेशनल इम्पोर्टेंस देने का बात है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ड्रामा एन एस डी अब नेशनल इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है तो अगर नेशनल इम्पोर्टेंस मिलता है ना तो कुछ स्पेशलिटी वहाँ पे मिल जाती है फंडिंग में इजी हो जाता है रिकॉग्निशन बेटर हो जाता है ये एक पाइवेटल प्लेयर है डेवलपिंग हाईली स्किल्ड पर्सनल को विद इन स्पेसिफाइड रीजन ऑफ द कंट्री और स्टेट में एनएसडी तो ये स्टेटस जब देती है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू तो उसको स्पेशल रिकोगनीशन मिलता है फंडिंग उसको मिलती है एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो इंस्टीट्यूट को एक्स्ट्रा लेवरेज मिल जाता है ऑपरेशन एंड अपने फील्ड में बेटर परफॉर्म करने का 2020 के अकॉर्डिंग अभी 159 इंस्टीट्यूट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस मिला है अंडर अ डिस्टिंक्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इम्पॉर्टेंस वाले इंस्टीट्यूट है इसमें इतने आई हैं एम्स हैं आईएम्स हैं एनआईटी आईआईटी आई ऐसे करके तो अब बात है कि एन जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसको भी नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग मिलना चाहिए ये डिमांड है यहाँ पे ओनली एन आर आई कोटा सीट्स फॉर ओ सी आई कार्ड होल्डर्स बहुत ब्रीफली हम देखें ना तो एन आर आई का मतलब क्या है नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब है तो वो इंडियन उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है इंडियन सिटीजनशिप होने के बाद भी वो इंडिया में नहीं है उसे बाहर रह रहा है इट इज बिकॉज ऑफ सम वर्क और एनीथिंग लाइक दैट जैसे इंडिया से बहुत सारे जाते हैं यू एस में यू एस में वो आई टी कंपनीज में वर्क कर रहे हैं तो वो हैं इंडियन उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है फॉर सम मंथ्स फॉर सम ईयर्स वो बाहर रह रहे हैं तो दोज आर एन आर आई फिर आते हैं ओवरसीज सिटीजनस ऑफ इंडिया एन आर आई मतलब इंडियन है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो होते हैं जो किसी टाइम पे इंडियंस रहे हैं बट जैसे उन्होंने बाहर का सिटीजनशिप ले लिया जैसे डॉक्टर रघुराम राजन हुए इन्होंने सिटीजनशिप बाहर का ले लिया या फिर पीपल लाइक दिस जो बाहर किसी कंट्री के सिटीजन हो गए इंडिया में डूबल सिटीजनशिप होती नहीं है तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है फिर एक होते हैं पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ब्रॉडली हम देखें तो ये इंडेंचर्ड लेबरर्स थे जैसे ब्रिटिशर्स थे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया ये इंडिया से बहुत सारे लोगों को को लेबर्स को पिक करते थे उनको ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स दिखाते थे और एज अ प्लांटेशन वर्कर श्रे श्रीलंका में या फिर त्रिनेदाद या वेस्ट इंडीज़ में यहाँ पर वो ले जाते थे तो वो हैं इंडियन ओरिजिन के हैं बट अब वो 200 300 400 साल से बाहर ही रह रहे हैं उनका फिर जनरेशन आगे आ गया दैट इज़ दिस पीपल ऑफ़ इंडियन ओरिजिन ओरिजिन उनका इंडिया में तभी आप वेस्ट इंडीज़ की टीम देखना बहुत सारे नाम जो होते हैं ना वो इंडियन नेम होते हैं वहाँ पर बिकॉज पीपल ऑफ़ इंडियन ओरिजिन तो ये तीन टर्म है एन आर और पी इसमें और भी निटीग्रिटीज है हैव सिटीजनशिप एक्ट 1955 है इसका सेक्शन सेवन बी आई बोलता है कि सर्टेन बेनिफिट्स देना है हमें दिस ओ कार्ड होल्डर्स को तो ओ सी आई सिटीजन आर इंडियन ओरिजिन बट दे आर फॉरन पासपोर्ट होल्डर्स एंड आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको देखती है उसने रीट्रेट किया एक गजट नोटिफिकेशन के थ्रू कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है कुछ टाइम पहले एक कार्ड होल्डर्स बनाया था इन्होंने वो ओ सी आई कार्ड होल्डर्स इसमें एन आर आई कोटा सीट्स जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये उसको क्लेम कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एन आर आई कोटा कुछ सीट्स रिजर्व होती है ओ सी आई वाले भी एजुकेशन में उस सीट्स को क्लेम कर सकते हैं और ये जो होगा बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट होगा बट जो ओ सी आई हैं सर्टेन फील्ड में उनको रिस्ट्रिक्शंस होगा जैसे मिशनरी एक्टिविटी है माउंटेनियरिंग जर्नलिज्म तबलीग एक्टिविटीज़ इन सब में ओसीआई को ऐसा फ्री पास नहीं मिलेगा दिस इज द दू है लक्ष्मीकांतर एंड ऑन एन आर आई ओ सी आई एंड पी आई यू सबसे पहले तो सवाल लिखते से पहली जो दो लाइन होनी चाहिए वो इसका मीनिंग बता दो वॉट इज द मीनिंग डिफरेंसेस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए टेल अबाउट हिस्ट्री स्टेटस क्या है राइट right नाउ इसके कुछ फैक्ट्स आप बता सकते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या चेंजेस आए प्रवासी भारतीय दिवस का भी आप मैंशन कर सकते हो इम्पॉर्टेंट एंगेजमेंट प्रोग्राम्स क्या गवर्नमेंट रन कर रही है काफ़ी सारी स्कीम्स हैं इनके लिए डिप्लोमेसी में ये क्यों इतना हेल्प करता है कल आपने बाइडन का स्टेटमेंट देखा अमिताभ कंत साहब ने शायद इसको रीट्वीट किया था डिप्लोमेसी में जो बाइडन ने कहा वो बात कर रहे थे तो ही युव सिंह कि जो मेरा वाइस प्रेसिडेंट है और नासा में अभी मोहन ये सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं तो डिप्लोमेसी में इंडियन ओरिजिन पीपल आर प्लेइंग एन एक्टिव रोल स्कीम्स वे फॉरवर्ड क्या है ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं ओके सो प्रिपेयर अ नोट ऑन एन आर आई ओ सी आई एंड पी आई ओ अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस पोप पोप एंड टॉप शिया क्लरिक प्लीड फॉर पीस इन हिस्टोरिक इराक मीट अब जो इराक है ना इराक इस साइड है इस साइड है यहाँ ईरान इराक इराक इधर है यहाँ पे इराक है यहाँ कुवैत आ जाता है तो शिया क्लरिक प्लीड फॉर पीस इन हिस्टोरिक इराक इराक में शिया भी है सुन्नी भी है इराक मीट पैपल का जो विजिट था एम्ड एट डीपनिंग डायलॉग अदर फेथ तो दिस इज इम्पोर्टेंट कन्वर्जेंट इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी देन यू एस सैनिट क्लियर बाइड डॉलर वन पॉइंट नाइन ट्रिलियन कोविड नाइनटीन एड प्लान म्यांमार में प्रोटेस्ट बहुत वर्जन हो रहा है यू एन एंड वॉय बोल रहे हैं एक्शन जरूरी है ही इज द मैन बिहाइंड कू मिन ऑंग लंग दिस इज म्यांमार मिलिट्री पर्सनल है द पार्टी कॉन्ट गो ऑन ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जर्मनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाउ फर्स्ट है मिस्टीरियस मून मिस्टीरियस मून 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 हमेशा से ही एक सब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन रहा है चाहे वो पोइट्स हो या साइंटिस्ट हो एस्ट्रोनॉमर्स एवरीबडी मिस्टीरियस मून यह एक आइडेंटिफाई किया है इन्होंने कि अगर मून का हम पास देखें आयरन कोर कैसे बना क्रिस्टलाइज कैसे बना मून का अगर हम थ्योरी देखें तो ये अर्थ था अर्थ से सम थ्योरी से इसकी ऐसा एक नेचुरल सैटेलाइट जो अर्थ की तरह यहाँ पे कंडेंस होके प्लानट नहीं बन पाया वो यहाँ पे बन गया या फिर वो अर्थ का पार्ट था देर आर थ्योरीज सो दिस इज़ मून मून एक नेचुरल सेटेलाइट है मून का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है बिकॉज मून को हम सोचते हैं कि मून में अगर हम बेस बना दें तो फ्यूचर फर्दर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें कुछ करना है तो वो हम मून में एक बेस स्टेशन बना देते हैं बार बार अर्थ नहीं आना पड़ेगा मून देन मून से हम टू एंड फ्रो कर सकते हैं डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन ह्यूज पोटेंशियल प्लस मिनरल्स एंड एटसेट्रा भी यहाँ पे पॉसिबल है वॉलकैनिक रॉक एटसेट्रा सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं ये अपोलो मिशन है अपोलो मिशन वॉज अबाउट दिस लैंडिंग ऑन मून ये स्लोइंग करेंट्स है अगेन एन आपने पढ़ा है गो थ्रू दिस एन सी आर टी वर्ंस ये एन जब बनाया था ना बैक टू बैक डेज में आई हैव रिकॉर्डेड दीज वीडियोज एंड द आइडिया वॉज कि उस टाइम लास्ट ईयर का प्रॉलम्स था उसके पहले ही सारे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है सो दैट इज वाई थोड़ा फास्ट पेस्ड है वो बट द पॉइंट इज ये बहुत आसान भाषा है अगर आप इसको जल्दी जल्दी देखेंगे भी ना तो यू विल हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग स्लोइंग करेंट और वहाँ पर ये गल्फ स्ट्रीम काफ़ी अच्छे से दिया है कि जो करेंट्स हैं फ्लो ऑफ ओशन वाटर है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जस्ट लाइक रिवर्स ये करेंट्स होते हैं तो गल्फ स्ट्रीम है गल्फ स्ट्रीम भी स्लो हो रही है स्ट्रीम्स जो होती है इनका एक डायरेक्शन होता है और थोड़ा फास्ट पेस्ड होती है बट इट इज़ स्लोइंग डाउन वार्म सरफेस होता है गल्फ का तो करंट भी दो होते हैं कोल्ड करंट होता है और एक वार्म करंट होता है इक्वेटर से जो ऊपर की तरफ जा रहा है बिकॉज इक्वेटर गर्म है तो वो वार्म हो गया जो पोल्स से इधर आ रहा है वो कोल्ड हो गया जहाँ इन दोनों का जंक्शन होता है वहां पे गुड स्पॉट बनता है दिस फिश एंड दिस ब्रीडिंग का अब सी ये वाटर है गल्फ स्ट्रीम है वार्म सरफेस वाटर इक्वेटर से नॉर्थ डीपर क्लोल्ड जा रहा है लो सेलिनिटी वाटर डाउन साउथ आ रहा है डीपर कोल्ड पानी जो ठंडा होता है वो नीचे रहता है लो सेलिनिटी वाटर साउथ की तरफ आ रहा है और ऊपर गर्म पानी ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है ये स्टडी ने बताया ये स्टडी बोल रही है कि Never before in a thousand year has it been so slow. This is slowing down last decade में. Reason क्या हो सकता है? Rainfall बढ़ गया है, melting of green ice land sheet हो रही है because of global warming. Reason, probable reason. ये celestial parking lot है. Parking lot मतलब for time being वहाँ पे हम stay कर रहे हैं. तो ऐसे कुछ trojans मिले हैं group of satellite, group of asteroids वहाँ पे for time being ऐसे halt करते हैं. Celestial parking lot है. ये प्रिंटिंग न्यूरॉन्स है न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स हमारी जो पूरी बॉडी है ना दैट वर्क्स ऑन दिस न्यूरॉन न्यूरो न्यूरो न्यूरल्स होते हैं सेंडिंग सिग्नल्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में दे आर इंपॉर्टेंट तो ये बायो मटेरियल इन्होंने ढूंढा है जो मिमिक करता है ब्रेन टिश्यू को और इसको थ्री प्रिंटिंग भी पॉसिबल है द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सुपर स्ट्रक्चर न्यूरो प्रिंटिंग न्यूरोस थ्री क्या होता है थ्री होती है अडिटिव टेक्नोलॉजी इसमें बेसिक बेसिक इन्ग्रेडियंट्स से आप कुछ भी शेप साइज स्ट्रक्चर बॉडी बना सकते हो तो दैट इज़ थ्री प्रिंटिंग तो थ्री प्रिंटिंग से ये न्यूरोस प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं आप तो ये अबाउट मून है दिस इज़ अबाउट कोल्ड वॉर्म करेंट और स्लोइंग डाउन गल्फ स्ट्रीम सेलेस्टियल पार्किंग लॉट इन प्रिंटिंग न्यूरोन दिस इज़ रेगुलर आर्टिकल केरला डिले कर रहा है टूवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी आ जाए हर्ड इम्यूनिटी मतलब सबको कोविड का एंटीबॉडी आ गया है वायरस जो है उसको नया होस्ट ही मिल रहा है तो वायरस का स्प्रेड अपने आप कम हो जाएगा दैट इज़ हर्ड इम्यूनिटी बट हर्ड इम्यूनिटी में कॉस्ट आती है काफ़ी सारे यहाँ पे लाइफ लॉसेस भी हो सकते हैं ये स्टेज अचीव करने के लिए तो क्विकली हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए हम ला रहे हैं वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन के भी दो डोज हैं पहला डोज सेकेंड डोज इसके बीच में गैप रख रहे हैं ताकि हेल्प मिले एक तो लॉजिस्टिक्स का भी और हर्ड इम्यूनिटी मतलब काफ़ी लोगों को एक फर्स्ट डोज में फोर्टीन डेज़ के अंदर ही एंटीबॉडीज़ डेवलप होने लग जाएगी तो इट विल हेल्प इन लार्ज स्केल ये थ्योरी है यहाँ पे ये यह बात यहाँ पे लिखा है अल्जाइमर के बारे में अल्जाइमर क्या होता है डेमेंशिया होता है डेमेंशिया मतलब चीज़ें हम भूलने लग जाते हैं न्यूरॉन्स देखें ना हमारे ये हमारा ब्रेन है ब्रेन में सब चीज़ें हमारा ये मेमोरी है यहाँ पे हार्ड डिस्क है स्टोर होती है चीज़ें कंट्रोल होता है प्रोसेसर होता है एवरीथिंग इज दिस ब्रेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे हमारी एज होती है तो डेमेंशिया आने लग जाता है मतलब हम भूलने लग जाते हैं चीज़ें उसका एक फॉर्म होता है अल्जाइमर एक स्पेसिफिक ब्रेन डिसीज होता है सिक्सटी टू एट्टी परसेंट ऑफ डेमेंशिया केसेस यहाँ से होते हैं तो अल्जाइमर इज अ टाइप ऑफ डेमेंशिया डेमेंशिया अल्जाइमर इज अ कॉज ऑफ डेमेंशिया डेमेंशिया भूलना मेमोरी रीजनिंग लॉजिकल ये सारी चीज़ें एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है तो अल्जाइमर डिसीज इज अ प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन विच अफेक्ट्स मेमोरी एंड थिंकिंग स्किल्स एल्डरली मोस्टली इस चीज़ से सफ़र करते हैं देट इज़ वाई हम एल्डर elder के एल्डरली के लिए इतने सारे प्रोग्राम्स लाते हैं उनकी हेल्थ का लोनलीनेस सोशल फाइनेंशियल सिक्योरिटी एट्सट्रा के लिए फिर ये होता है श्रीजो उफ्रेनिया ये एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर होता है इसमें पीपल इंटरप्रेट करते हैं रियालिटी एब नॉर्मली उनको ऐसा मन में लगने लग जाता है कि दिस थिंग इज़ एपनिंग दट थिंग इज हैिंग जबकि वो रियालिटी नहीं है ये कॉम्बिनेशन ऑफ हेलुसिनेशन डिल्यूजन डिसऑर्डर थिंकिंग बिहेवियर ये सारी चीज़ें होती है और डिसेबिलिटी आ जाती है सो दिस इज़ अबाउट एक टीम डेवलप कर रही है पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट ड्रग कैंडिडेट फॉर दिस डिसीजीज़ यू नो अबाउट यू शुड नो अबाउट दिस डिसीज़ यू शुड नो अबाउट शीजोफ्रेनिया रीजन क्या है और एल्डरली जो स्कीम्स हैं हमारे यहाँ इंडिया में ऑल दो डेमोग्राफिक डिविडेंट हमारा ठीक है ज़्यादातर एज यंग है बट जो एल्डरली हैं इनको कैसे हम सेफ गार्ड करें इनका लाइफ फ्यूचर एट्सेट्रा फॉर दैट इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज द रीजन आई डू नॉट मेंशन कि ये जी वन है ये जी टू है ये जी एस थ्री या जी फोर अगर आप देखो ना तो करंट अफेयर्स का कोई ऐसा सेग्रीगेशन होता नहीं है जहां जरूरत पड़ रही है यू कैन यूज द सेम करंट अफेयर टॉपिक इन ऑल दीज सब्जेक्ट इवन एस में भी सो दैट इज यू शुड नो द सिलेबस वेल और फिर इम प्रम्पू आपको क्विक डिसीजन लेना है इस टॉपिक को मैं कहाँ पर फिट कर सकता हूँ ये स्ट्रैटेजी बेटर है क्लस्टरिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च सेंटर यहाँ पे क्या है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमें उनको क्लस्टर करें जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम देखते हैं क्लस्टरिंग हो जाती है उन्हें एक बेल्ट बन गया चेन्नई एक बेल्ट बन गया हरियाणा गुरुगांव ये एक बेल्ट बन गया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का ऐसे ही एजुकेशन में हम जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें बात कर रहे हैं मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी इंटरकनेक्टेड ये नहीं कि साइंस वाले को सोशल साइंस कुछ पता ही नहीं है सोशल साइंस हिस्ट्री का स्टूडेंट है उसको कुछ भी नहीं पता बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या होती है नो no. इंटर थोड़ा दिस ज़रूरी है बिकॉज जो वर्ड आने वाला है ना वर्ड जो आने वाला है इट्स गोइंग टू बी अबाउट दिस पॉलीमैथ ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो बट यू हैव टू बी लाइक अवेयर ऑफ नॉट मैनी अदर सब्जेक्ट एज वेल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना भी बुरी बात नहीं है लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ में डाइवर्सिटी होनी चाहिए और इंटरकनेक्टेडनेस होना चाहिए इसीलिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है मतलब ये यूनिवर्सिटी कैंपस है इसमें बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं डॉक्टरेट पीएचडी थीसिस इंडस्ट्री कनेक्ट वगैरह सब चल रहा है एडवांस्ड रिसर्च एनकरेज करें और इसमें कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के एग्जांपल्स दिए हैं उनसे हम क्लूज ले सकते हैं ये मॉडर्न ह्यूमन और नियंडर्थल है अब जो हम आज का स्टेज है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशन है जो हम आज जिस फॉर्म में बने हैं। हमारा जनरेशन ऐसे आगे बढ़ता हुआ आज प्रेजेंट फॉर्म में आया पहले वाला जो मॉडर्न ह्यूमन था उससे पहले वाला ह्यूमन था दिस नियर्थल तो हमारा ब्रेन भी ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है तो ये स्टडी है कि कैसे इवोल्यूशन ब्रेन का हुआ है ब्रेन प्रेजेंट फॉर्म में आया रेड इको ओवर इंडिया ये एफ एक्वेंटली आज क्वेश्चन यहाँ जो हमें समझना है वो है साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आने वाला जो वारफेयर है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉरफेयर है इट इज़ नॉट लाइक कि सोल्जर्स आमने सामने जा रहे हैं ऐसा ये चांसेस अब कम है डायरेक्ट फ्रंट एंड वॉर होने के चांसेस ज़्यादा हैं दिस टेक्नोलॉजी एरियल लेटेस्ट गैजेट्स एंड ऑल यहाँ हमको पोटेंशियल अपना डेवलप करना जरूरी है सिक्योरिटी लाना चाइना में ये रेड एक्ो है रेड एक्ो रेड एक्ो में ऐसा बोला जाता है ऑल इट्स नॉट क्लियर बट ऐसा बोला जाता है कि इसमें चाइनीज गवर्नमेंट का भी बैकिंग होता है और इसका काम ही यही होता है कि वो ग्रुप है इसका काम ही होता है फॉरेन के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वहां पे एस पी ओन करना डिस्ट्रॉय करना एटसेट्रा रेड एक्ो तो रेड एक्ो ओवर इंडिया जैसे अभी महाराष्ट्र में पावर का आउटेज हुआ चाइनीज मेलवेयर टारगेट इंडियन पावर ग्रिड यूटिलिटी और ये मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न है ये स्पूफिंग करते हैं जैसे आपको जी मेल है ना जी मेल की जगह एक मेल आएगा वो जी एन ए आई एल से आया है अब यू विल गेट कन्फ्यूज आप यहाँ पे स्पूफिंग से अपना डेटा लूज कर सकते हैं ये टैक्टिक्स होती है इनका साइबर फ्रॉड करने का तो उन्होंने हमारी एन टी पी सी जैसी कुछ एन टी पी सी डॉट सी ओ डॉट इन है तो उन्होंने एन टी पी सी डैश सी ओ डॉट इन ऐसे करके डोमेन रजिस्टर किए तो इट टेल्स की प्रोबेबली देवर बिहाइंड दिस महाराष्ट्र में जो साइबर अटैक हुआ साइबर सिक्योरिटी फर्म है रिकॉर्डेड फ्यूचर इसने भी बताया कि जो रेड एको है ये ज़्यादा एस पी पॉसिबिलिटी नहीं है बट ये सिग्निफिकेंट कंसर्न है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड पोटेंशियल प्रीपोजिशनिंग हो रही है नेटवर्क एक्सेस ये चाइना का स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकता है अब एक टर्म आता है ट्रोजन हॉर्स ये जो है ना ट्रोजन हॉर्स ग्रीक माइथोलॉजी में ये वर्ड यूज़ हुआ था उसमें क्या हुआ था ये जैसे फोर्ट्रेस था इस फोर्ट्रेस के अंदर उनको एंट्री करना था एनिमी को कैसे करें तो उन्होंने एक हॉर्स गिफ्ट किया इन्हें हॉर्स ह्यूज साइज का था ये उस हॉर्स को लेके अंदर चले गए थिंकिंग की दिस इज अ हॉर्स ये लकड़ी का हॉर्स था और ये हॉलो था अंदर इसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स बैठे हुए थे तो ट्रोजन हॉर्स मतलब ऐसा पर्सन ऐसा वर्ड जो दिख कुछ रहा है बट एक्चुअल में वो कुछ डिफरेंट परपज सर्व करने के लिए वो उसका इंटेंशन है दैट इज ट्रोजन हॉर्स मेलवेर ऐसे ही होते हैं वो लगता है कि इससे आपको लॉटरी हो गया या आपको इतना अवार्ड मिल गया विनिंग हो गया क्लिक ऑन दिस लिंक एंड डू दैट थिंग बट एक्चुअली दे वर डिजाइन टू हैक योर डेटा तो ये ट्रोजनाइज्ड सॉफ्टवेयर है डेंजर है हिडन होते हैं ये ये एस ऑनज करते हैं ऐसे ही मोड ऑफ डिलीवरी होती है इनकी शेडो पैड ये भी एक मतलब ट्रोजन हॉर्स है नाम है अलग अलग दीज थिंग्स पॉइंट इज इंडिया को बहुत अलर्ट रहना है साइबर सिक्योरिटी में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ करना है ये रेड एक और उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है ये कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन से क्या चेंज हुआ कोविड वैक्सीनेशन लग गया है इसका मतलब ये नहीं यू ड्रॉप ऑल योर गार्ड्स कुछ केसेस आए हैं कोविड वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगने के बाद भी कोविड हुआ है सो बी केयरफुल स्पेक्ट्रम सेल फिर से न्यूज़ में है यहाँ बात है अभी जो सेल हुआ ना वो 5G का नहीं था 4G का ही कुछ स्पेक्ट्रम था जिसका अभी ऑक्शन हुआ सबसे ज़्यादा जियो और एयरटेल ने परचेस किया और जो वी है वोडाफोन और आइडिया वो कंजर्वेटिव थे स्पेक्ट्रम क्या होता है हम इसको देखें तो स्पेक्ट्रम मतलब ये एक ऐसा हमारे पास सोर्सेज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है स्टैंड्स फॉर पौर द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है ये सूटेबल है फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज के लिए यूज इकोनॉमिक रिसोर्स होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जैसे ये रोड्स हैं ये जो रोड्स हैं ये रहती है गवर्नमेंट की तो ये रिसोर्स जो हुए वो गवर्नमेंट के हुए स्पेक्ट्रम जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है ये बेनिफिट पॉपुलेशन को कम्युनिकेशन वोडाफोन जैसे आइडिया वगैरह सप्लायर्स हैं ये इस स्पेक्ट्रम को ख़रीदेंगे और पॉपुलेशन को सर्विसज प्रोवाइड करेंगे मोबाइल कॉलिंग इंटरनेट एट्सट्रा बट दिस रोड इज़ ओन बाय दिस गवर्नमेंट अब इस रोड में लेंज होती हैं ये लेंज होती हैं इन लेंस को आप बोल सकते हो ये स्पेक्ट्रम है इतने मेगा हट्स में इतना मेगा हट्स में इस स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है जैसे जियो ने ये मेगा हट्स का ये लेन खरीद लिया वोडाफोन ने ये ख़रीद लिया एयरटेल ने खरीद लिया और ये जो स्पेक्ट्रम का बैंड है इससे फिर ये अपने सब्सक्राइबर्स को इंटरनेट टेलीफोन कॉल प्रोवाइड करेंगे उनसे पैसे लेंगे और गवर्नमेंट को इसका पैसा आगे पे करेंगे जो बीच का होगा वो इनका फ़ायदा हुआ फ्रिकवेंसी क्या होता है फ्रिक्वेंसी वेव्स में हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में द नंबर ऑफ टाइम्स द वेव्स रिपीट दमसेल्स इन अ सेकेंड एक सेकेंड में ऐसे कितने टाइम वो रिपीट हो रही है हर्ड्स क्या होता है मेजर ऑफ नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड होता है मेगा हर्ड्स में वन मेगा स्टैंड फॉर वन मिलियन हर्ड्स ये फ्रीक्वेंसी है ये रोड है ये जो फ्रिक्वेंसी बैंड हैं ये आप बोल सकते हो लेंज हैं ये अलग अलग लेंज हैं जिसमें ऑपरेटर्स को चलना है बैंड्स जो होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी यूनिक होती है रेंजेस की और वो यूनिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं जो लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन होता है उसका रेंज ज़्यादा होता है बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे ट्रेवल करती है तो एनर्जी लॉसेज होता है तो जो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन है वो ज्यादा डिस्टेंस तक चलेगा बट इंटीग्रिटी नहीं होती मतलब ज़्यादा स्पीड नहीं आएगी दे कैन पास थ्रू डेंस ऑब्जेक्ट मोर इजीली लेस डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर दीज रेडियो वेव्स बट स्पीड के लिए हमें ज़्यादा डेटा चाहिए तो उसके लिए हमको हायर फ्रिकवेंसी ट्रांसमिशन चाहिए होते हैं बट अगर हायर फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन होते हैं तो एनर्जी लॉसेस भी ज़्यादा होती है और रेंज कम हो जाती है पुअर एट पेनीट्रेटिंग ऑब्स्टेकल्स हायर फ्रिक्वेंसी वाले पुअर होते हैं एट पेनीट्रेटिंग ऑबस्टिकल्स तो ये है स्पेक्ट्रम का मिनिंग अब इस बार जो 5G जी रोल आउट हुआ वो 5G नहीं है वो 4G है 700 सौ मेगा हर्ड्स आठ सौ इस मेगा में ऑक्शन हुआ गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करने की बात किया बट ये जो 700 था इसका बेस प्राइस बहुत ज़्यादा था ज़्यादा टेकर्स मिले नहीं मोस्टली जो इन्होंने लिया है दूसरे बैंड्स को लिया है सात का नहीं मिला एक और टर्म न्यूज़ में है वो है ए जी आर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इस सेप्टेम्बर में हमने ये देखा था टॉपिक टेलकोस गेट टेन ईयर्स टू पे ए जी आर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब जैसे जियो ने स्पेक्ट्रम खरीदा अब जियो हमको सर्विसेज दे रहा है, हमसे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और कुछ पैसा पे सरकार को देगा तो ये पहले अग्रीमेंट हुआ था एजीआर की डेफिनेशन में कि कितना पैसा सरकार को जाएगा रेवेन्यू जो जनरेट हुआ उसमें से कितना शेयर होगा इस दो डेफिनेशन पे डिफरेंसेस है जैसे ए का डेफिनेशन क्या था गवर्नमेंट ने बोला ए जो है उसमें सारा रेवेन्यू आएगा टेलीकॉम का नॉन टेलीकॉम का जो से जियो ने एयरटेल ने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस स्पेक्ट्रम और रेवेन्यू कोर सर्विसेज का ही होगा ऐसा बोलता है जियो तो दोनों में डिफरेंस हो गया अगर हम साइड वाली सर्विसेज भी देख लें तो से हज़ार रुपए आ रहे हैं कोर सर्विस से केवल पाँच सौ आ रहे हैं तो जियो बोलता है कि हम जियो मतलब कोई भी मोबाइल ऑपरेटर बोलता है हम ये केवल पाँच सौ शेयर करेंगे सरकार के साथ और गवर्नमेंट बोलती है आप अदर कोर एक्टिविटीज से जो पैसे कमाएं वो भी शेयर करो इस बात पर डिस्प्यूट हुआ फिर कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट इज़ राइट और इनको कुछ टाइम दिया कि आप यहाँ पे पूरा पेमेंट करो इससे टेरिफ हाइक होने के भी चांसेस है बट द पॉइंट इज ये ए जी इशू था फिर ये स्पेक्ट्रम का इशू आ गया टेलीकॉम सेक्टर ऑलरेडी इंडिया में अच्छा नहीं कर रहा है तो क्या फाइव रोल आउट डिले हो जाएगा ये बहुत सारे सवाल हैं अब जो नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओपन टू एवेलुएट एक्सप्लोर क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बात है क्रिप्टो करेंसी जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं इंडिया में आर ने भी अलाउ नहीं किया है बट लॉन्ग पेपर जो है वो ये बोलता है कि ये जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजीज हैं क्रिप्टो करेंसीज हैं दीज आर फ्यूचर सो इस इसपे वर्कआउट होगा लेट सी एक्सप्लोर एंड एवेल्युएट हो रहा है क्रिप्टो करेंसी और मिनिस्ट्री में भी यूनियन मिनिस्ट्री का भी ये स्टेटमेंट है लेट सी वेट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस अन है टी वी एस ग्रुप की होल्डिंग्स हैं दिस इज स्पोर्ट्स इंडिया रिप्रेसिबल सिंधु फाइनल में आ गई है श्रीकांत लूजर्स ना ये इंडियन एक्सप्रेस है जो ये सिमली पाल है यहाँ बायोस्फेर यहाँ नेशनल पार्क में फायर बढ़ रहा है फॉरेस्ट फायर हवा लोक नोट क्यों होता है रीजन क्या होता है फायर का एटसेट्रा विशु नोट नेशनल टाइगर इससे काफी लॉसेज होते हैं इको फ्लोरा एंड फोना बोथ दिल्ली वाटर क्राइसिस है यमुना लेवल डिप्स देन दिस इज अबाउट हंड्रेड एंड फोर ईयर के आई एफ एस ऑफिसर अमंग थर्टी थ्री के टू गेट वैक्सीनेटेड एक्सीलेंट सोशल मैसेजेस कोविड प्रोटोकॉल लोगों में अवेयरनेस करने की बात है राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन ये दो टर्म्स हैं एडवर्टाइजमेंट हैं बट डीज आर इंपॉर्टेंट फर्स्ट इज दिस क्वालिटी मेडिसिन के लिए जन औषधि केंद्र जन औषधि केंद्र मेडिसिन होती हैं एक्सपेंसिव होती हैं बहुत बड़ा एक जो सेक्शन है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो जेनेरिक मेडिसिनस की बात होती है जेनेरिक मेडिसिन का जो काम तरीका होता है वो ब्रांडेड मेडिसिन जैसे ही होता है बट इसमें कुछ टैक्सेस वगैरह कम होते हैं तो इनका प्राइस कम होता है जेनेरिक मेडिसिन का प्राइस कम होता है गवर्नमेंट लोगों को अवेयर करना चाहती है कि गो फॉर दिस जेनेरिक मेडिसिन एज वेल क्वालिटी वाइज ये सेम है एंड दे आर वे लेस चीपर होती है ये मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस में और इन्हीं के लिए ये स्टोर्स बनते हैं दिस जन औषधि परियोजना के अंदर जन औषधि केंद्र फर्दरिंग वेलनेस दिस इज अबाउट जेनेरिक मेडिसिन वुमन ऑन्ट्रप्रोनोर दिव्यांग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हिली एरिया इन सबको जन औषधि केंद्र बनाने का गवर्नमेंट यहाँ पे फैसिलिटेट भी करेगी नब्बे परसेंट तक इनका ब्रांडेड मेडिसिन से प्राइस जो होता है वो कम होता है कंटेंट सेम होता है बट इनका प्राइस कम होता है तो दिस इज अ गुड थिंग दिस इज जन औषधि ये है सरस आजीविका मेला आजीविका मतलब होता है लाइवलीहुड लाइवलीहुड किन का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट पीपल का जो अलग अलग विलेजेस है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है आजीविका मेला नोएडा हाट यहाँ क्या होगा जो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं आर्टिस हैं उनका वर्कशॉप्स कर रहे हैं मार्केटिंग सिखा रहे हैं डे दीनदयाल अंत्योदय योजना और एन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन दोनों का ये इनिशिएटिव है द पॉइंट इज ये जो लोकल आर्टिस हैं इनको एक प्लेटफॉर्म देना इनको जो मार्केटिंग टेक्निक सिखाना इनको अपना रेवेन्यू कैसे ये जनरेट कर सकते हैं ये सब चीजें बताना ओके तो दैट इज दिस डी डी वाई एंड दिस एन आर एल एम और ये ऑर्गेनाइज हुआ है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी अपार्ट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डी डी वाई डी ए वाई एंड एनआरएल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सी ए पी ए आर टी आजीविका मेला सरस आजीविका मेला दिस इज वाई कंट्रीज सक्सीड बिसाइड बिसनमी फ्रीडम इज स्लाइडिंग वेन द टू हाउसेज कम होम सॉलिडेरिटी फॉर्म प्रोटेस्ट ट्रुथ अबाउट कैट्स एंड डॉग्स स्पीडी वायरस वेरिएंट है पावर ये यूरोप में हो रहा है इतने नए स्प्रेड हो गए यूएस सेनेट डॉलर 1.9 ट्रिलियन का कोविड बिल ला रहा है सिम्बॉलिक मीटिंग ये है फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन कंटिन्यूटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी कुछ ही दिन पहले डिटेल नोट प्रिपेयर किया है फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन रिवॉल्यूशन ऑफ फंड आर्टिकल टू नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट का न्यूज़ है दिस इज इन्वेस्टमेंट ईपीएफओ का 8.5 परसेंट रिटेन किया है रेट तंत्रम्स कम एंड डू फेड विल स्टे द कोर्स दिस इज आई संडे इन अ हार्ट बीट मिक्सड मैसेजिंग है द बेस्ट वर्क हैजन बीन डन येट बेस्ट इज येट टू कम वर्स्ट इज येट टू कम ऐसा कहा जाता है द शॉक ऑफ द फॉल सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस नाउ आज हम हिंदी में देखते हैं दिस हिंदू कैलेंडर के अनुसार बारह महीने होते हैं हम वैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं जनवरी फेबर ये वाला हिंदू कैलेंडर में भी बारह महीने होते हैं महीने में दो पक्ष होते हैं पंद्रह पंद्रह दिन के होते हैं महीने में दो पक्ष होते हैं यथा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जैसे हिंदी वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र मास से जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल में पड़ता है अब ये सवाल भी 2014 में आया था कि हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट मंथ क्या होता है ऐसा कुछ सवाल था प्रेलम्स 2014 या 15 में 12 मंथ्स इनके नाम हमें एक ब्रॉडली पता होना चाहिए जैसे चैत्र क्या होता है मार्च अप्रैल वैशाख होता है अप्रैल में ज्येष्ठ होता है मई जून आषाढ़ होता है मतलब बारिश आ रही है जून जुलाई श्रावण मतलब बारिश आ गई है जुलाई अगस्त भाद्रपद आता है फिर अगस्त सितंबर में अश्विन होता है सितंबर अक्टूबर में कार्तिक मतलब अक्टूबर नवंबर फिर मार्ग शीर्ष आता है नवंबर दिसंबर में पौष आता है दिसंबर जनवरी माघ आ गया जनवरी फरवरी और फाल्गुन आता है फरवरी मार्च में एक बार और पढ़िएगा याद हो जाएगा दिस इज हिंदी के ये बारह महीने हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अब ये सी सेट है कल के सवाल थे जब भी वॉल्यूम का आता है ना ज्यादातर सवालों में यू विल सी दिस पैटर्न वॉल्यूम्स को इक्वेट करना है वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ बोट का ये वाटर का बोट का डायमेंशन है थ्री इंटू टू और ये है दिस वन सेंटीमीटर वो सिंक हुआ था तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया तो बोट ने इतना डिस्प्लेस किया वाटर डिसप्लेसड अब डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है वन थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है तो इतना वॉल्यूम डेंसिटी तो हम वेट मतलब मास पता कर लेंगे सिक्सटी के जी का हुआ और ये जो सिक्सटी के जी है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मैन तो मैन का भी वेट हो गया सिक्सटी के जी ये एक शीट ऑफ पेपर था यहाँ एक कॉर्नर कट किया हमने चार कोने में फोर्टी एट ये था थर्टी सिक्स ये था आठ मीटर के कटआउट्स हुए अब इसको ऐसे ऊपर करिए इसको ऊपर करिए तो एक बॉक्स बन जाएगा ऐसा कार्टन टाइप का ओपन बॉक्स हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो नए बॉक्स का लेंथ कितना हुआ फोर्टी एट माइनस दिस एट एक साइड का एट दूसरे साइड का मतलब थर्टी टू ब्रेथ में भी दो आठ आठ माइनस करेंगे तो बीस हाइट है आठ वॉल्यूम इतना हो गया लेंथ इन टू ब्रेथ इन हाइट एरर निकालना है एरर जब भी निकालना है तो प्रेजेंट और जो नया बना उन दोनों का वैल्यू फाइंड करिए दोनों का डिफरेंस निकालिए और प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में उसका परसेंटेज निकाल दीजिए तो इनिशियली हंड्रेड था वो बन गया एक सौ दो दो परसेंट का इंक्रीज हुआ है तो ए वन इतना एरिया हो गया ए इंटू ए ए टू इतना एरिया हो गया हंड्रेड एंड इंटू हंड्रेड एंड दोनों का डिफरेंस निकाला चार सौ चार एरर किसके रेस्पेक्ट में आएगा ए वन के रेस्पेक्ट में आएगा a2 minus a1 upon a1 into 100% percent, that is 4.04% percent. find the ratio of the surface of the inscribed and circumscribed इनका मीनिंग देखिएगा inscribed और circumscribed spheres about a cube एक क्यूब है एक स्फीयर है एक बार inscribed है और दूसरे बार circumscribed है तो दोनों में रेशियो क्या होगा एरिया का वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड है 50% इंक्रीज हुआ विदाउट अल्टरिंग इट्स बेस बेस उतना ही रखा बट वॉल्यूम बढ़ा दिया तो हाइट में कितना चेंज करना पड़ेगा बिकॉज अगेन वॉल्यूम इक्वेट करिए एल बी एच एंड एल बी एच टू यू विल गेट दी आंसर रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इनक्रीज बाय टेन परसेंट ये कौन होता है रेडियस जो है रेडियस ऑफ बेस बढ़ा और हाइट ऑफ कोन भी बढ़ा दोनों दस परसेंट बढ़ गया अब आप बताओ वॉल्यूम क्या होगा नए दिस का परसेंटेज कितना राइज हुआ परसेंटेज मतलब इनिशियल पे फाइंड होगा इनिशियल पे सो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर टूडे दिस इज सोल्यूशन दिस इज जेनेरिक मेडिसिन एंड का मेला ये हिंदू कैलेंडर है दिस इज एजी आर ट्रोजन हॉर्स दिस इज अल्जाइमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट एन आर आई ओ सी आई और दिस पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन टेल द डिफरेंस न्यू पोर्ट है दिस इज डबल डेकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड कोविड केसेज सो दिस इज सेवंथ ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ